और हमारे सॉरी दूसरा विकल्प तीसरा विकल्प एक दशमलव पाँच न्यूटन मीटर ठीक है और हमारे पास चौथा विकल्प है एक दशम पंद्रह न्यूटन मीटर ठीक है उत्तर देखते हैं हम उत्तर हमको प्रश्न में दिया क्या क्या गया है हमको दिया गया है हमको शक्ति दी गई है ठीक है कितनी तीन अश्व अब तीन अश्व दी गई इसको अश्वशक्ति एक यहाँ से देखिए एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है सात सौ छियालीस वॉट ठीक है अब एक काम करते हैं यहां से अब तीन गुणे सात सौ छियालीस कर देंगे ना तो ये हमारे पास आ जाएगा ठीक है कितना माना आएगा इसका बाईस सौ अड़तीस कितना बाईस सौ अड़तीस वॉट ठीक है और हमारे पास क्या दिया गया हमको दिया गया डब्लू ओमेगा दिया गया ठीक है ओमेगा ओमेगा को क्या बोलते हैं कोड़ी चाल ठीक है कोड़ी चाल शक्ति को पी से प्रोसेस करते हैं कोड़ी चाल कितनी है ओमेगा क्या हो जाएगा बारह सो चक्कर प्रति मिनट ठीक है प्रति मिनट हमको क्या चाहिए हमको चाहिए प्रति सेकेंड में ठीक है पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको बारह ठीक है और ओमेगा क्या हो जाएगा यहां पे प्रति चक्कर कितना था टू पाई ठीक है और हमको सेकेंड में चेंज करने के लिए साठ का हाँ इधर करना पड़ेगा रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा ठीक है अगर तो सरल करेंगे तो दो तीन और तीन चक्ू बारह मतलब कितना आएगा हमारे पास ये हमारे पास आएगा चालीस ठीक है देखिए आप बीस तीस और जीरो ठीक है चालीस रेडियन पर सेकेंड ठीक है पर सेकेंड अब यहां से हमारे पास ओमेगा भी आ गया हमारे पास अब देखते हैं हमारे पास टाउक मतलब बलागुण निकालने का सूत्र क्या होता है बल आगुड़ बराबर क्या होगा हमारे पास बलागुड़ा क्या होगा हमारे पास शक्ति बटे कोणी चाल कोड़ी। चाल, ठीक है अब क्या करेंगे यहां से हम ये हमारे पास सूत्र है इसका उपयोग करेंगे और हम कहां तक ता? उत्तर तक ता पहुंचेंगे तो हमको चाहिए क्या है? हमको चाहिए हम तक प्रश्न में क्या पूछा गया है हमसे पूछा गया है देखिए आप, हमसे पूछा गया है बलाघाड़ बलागुड़ पूछा गया ठीक है बलाघुड़ बला पूछा गया तो बलागुण हमारे पास जो जो मान है तो हमारे पास इस टाइम शक्ति कितनी हमने निकाली बालाघोल को टाऊ से परसेस करते हैं तो टाऊ बराबर कितना 2200 38 2238 ठीक है 2238 वाट निकाला हमने ठीक है इसके बाद हमारे पास w कितना हमारा 40 ठीक है 40 अगर आया है सॉरी यहाँ पे ये देखिए आप पाई भी है यहाँ पे ठीक है सॉरी गलती हुई पाई भी यहां पे तो इसका मान कितना आएगा फिर हमारे पास अगर हम इसको निकालेंगे 40 पाई ठीक है चालीस फाइव अगर हम इसको कैलकुलेशन करके दें तो हमारे पास एक सौ पच्चीस दशमलव छह जो कि हम सर इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास सत्रह दशमलव आठ न्यूटन मीटर ठीक है अगर हम उत्तर की बात करें तो टाव बराबर कितना हमारा बल आगुड़ बराबर बल आगुड़ बराबर कितना हमारे पास है सत्रह दशमलव आठ न्यूटन मीटर ठीक है ये हमारे पास क्या है ये हमारा आंसर है ठीक है धन्यवाद अगर हम विकल्प की तरफ चलते हैं एक बार विकल्प देख लेते हैं ठीक है विकल्प क्या हमारे पास अठारह न्यूटन जो कि सत्रह दशमलव आठ के करीब है जो कि हमारा सही विकल्प है ठीक है, है और पहला विकल्प हमारा सही विकल्प है दूसरा विकल्प गलत है तीसरा भी गलत है और हमारे पास चौथा विकल्प क्या है पंद्रह न्यूटन ये भी हमारा गलत विकल्प है ठीक तो है तो तुम्हारा पहला विकल्प सही विकल्प है धन्यवाद कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट आई आई टी जे वो एडवांस के लेवल तक कर, एक करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सअप करें अपने सारे डाउट्स, आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर।